हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, गर्मियाँ बहुत बढ़ रही है, पारा आसमान छू रहा है, तो ऐसी तिमतिमाती गर्मी को मात देने के लिए आज हम आपके सामने लाए हैं चौको रबड़ी आइसक्रीम। तो इसके लिए हमने 1 किलो दूध को उबाल पर रख लिया है। इसको तब तक उबालेंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए। तो यहाँ पर दूध उबल रहा है, तो साइड में हम कस्टर्ड मिक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और उसे ठंडे दूध में हम मिक्स कर लेंगे। इसे डायरेक्ट गर्म दूध में अपन नहीं डाल सकते, क्योंकि गर्म दूध में डालेंगे तो लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए कस्टर्ड मिक्स बना के उस दूध में ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर को दूध ठंडे दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे दूध की क्वांटिटी अब उबल के आधी हो चुकी है, तो अब हम इसमें कस्टर्ड मिक्स ऐड करेंगे। तो कस्टर्ड मिक्स डालते ही हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा अपने आप। देखिए, ये गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। अब हम इसमें 1 कप शुगर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी रबड़ी तैयार है, अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए, इसका कलर ब्राउन हो चुका है। इसमें हम 10 ड्रॉप चॉकलेट एसेंस डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बाद में। अब हम इसे और चॉकलेटी बनाने के लिए कैडबरी का चॉकलेट बार डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी नहीं बनाना है तो आप इस चॉकलेट बार को स्किप भी कर सकते हैं। आप कैडबरी के अलावा कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। इसे अब मिक्स कर रहे हैं अपन, फिर हिला लेंगे इसे अच्छे से। अब हम इसे एयर टाइट बॉक्स में पैक करके रेफ्रिजरेट कर लेंगे। एयर टाइट बॉक्स में इसलिए रखेंगे ताकि इसमें बर्फ ना जमे। अगर आपके पास एयर टाइट बॉक्स नहीं है तो आप कोई भी सिंपल बॉक्स ले लीजिए और उसमें रेफ्रिजरेट कर लीजिए। जब ये आधी सेट हो जाएगी तो इसे टेबल स्पून से मैश करके बाद में वापस रेफ्रिजरेट करना, और इस प्रोसेस को 3-4 बार करने से आपकी आइसक्रीम में बर्फ नहीं जमेगी। हमने इसमें ऊपर से भी कैडबरी चॉकलेट ऐड की है और हर्षी सिरप भी ऐड कर रहे हैं। अब इसे बंद करके रेफ्रिजरेट करने के लिए रख देंगे। हमने अपने कंटेनर्स भर लिए हैं, अब रेफ्रिजरेट करने के लिए रख रहे हैं। करीब 5 घंटे हो गए हैं, अब आइसक्रीम पूरी सेट हो चुकी है। अब हम इसके स्कूप्स निकालेंगे। अगर आपके पास स्कूपर नहीं है तो आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना परफेक्ट स्कूप निकला है।
add some more horse syrup on top. Now it's ready to serve. Thank you for watching our video and don't forget to like and subscribe us.